सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के यौम पैदाश पर पूरे मुल्क की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी की गई तकरीबात मुनक्कद। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ में मुनक्कद हुई। हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत। जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के ऑफिसरों ने भी किया इजहार अकीदत। अमृत दे दाते सरबसदानी साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब की लख लख वधाई होवे। समो संगतां नूं बिना मजबो मिलत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शख्सियत जिमें कि आप पली पंथ जानू हो, एक बहुत बड़े शायर ने योगी अल्लाह यार खान लिखता है, करतार की सुगंध है नानक की कसम है जितनी भी हो गोविंद की। जम्मू कश्मीर बैंक की मेन ब्रांच की जानिब से गुरु गोविंद सिंह जी के यौम पैदाइश पर लंगर का किया गया इनेकाद। लोगों में दूध बिस्किट और दीगर अशिया की गई तकसीम। पूरे समाज को लख लख बधाइयाँ देते हैं गुरुपुरब के उपलक्ष्य पे। हमारा एक छोटा सा प्रयास है बैंक की तरफ से, बैंक के स्टाफ की तरफ से और क्लस्टर की तरफ से, मेन ब्रांच पुंछ की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है समाज और बैंक को जोड़ने का। बैंक और समाज से जुड़े ही हुए हैं। बैंक की तरफ से आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये एक छोटा सा सेवा का स्टॉल लगाया है। इसमें हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि J&K बैंक हमारी पूरी सोसाइटी का एक पार्ट है। महकमा रोड ट्रैफिक की जानिब से लोरन बटन कोर्ट के लिए गाड़ियों के परमिट वागुजार किए जाने पर मुकामी लोगों ने किया महकमा के ऑफिसर का शुक्रिया अदा, कहा उनकी तरीना मांग पूरी की गई है। कोर्ट के लिए दो परमिट इशू किए गए, ये बहुत ही अच्छा किया है RTO साहब ने। हम RTO साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये इस गरीब आवाम के लिए दो परमिट का इशू किया है मिला है। और जो जायरीन यहाँ ज्यारत शरीफ पर आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती थी रास्ते में, यहाँ सुमो में 8 की जगह 12-12 सवारियाँ भरकर जाते थे, बहुत सारे लोग रास्ते में खजल हो जाते थे। यहाँ पे रहनी चाहिए और इन गाड़ियों का जो है यहाँ पे कंटिन्यू, और उसके बाद जो कुछ सियासत इसमें चल रही है कि गाड़ियों को बफर मंडल से किसी से लिखा कर इन गाड़ियों को जो है परमिट कहीं दिखाया जाएगा, कुछ वैसा नहीं होना चाहिए। हम जो यहाँ पे धरना देने के लिए था और साथ में मैं खुद उनके साथ बैठूंगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक मुगल शाहरा पर ताजा बर्फबारी, गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया। शाहदरा शरीफ के लिए खसूसी रोपवे को मंजूरी दी जाएगी। मरकजी वजीर अर्जुन राम ने राजौरी के दो रोजा दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके किया ऐलान। पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं जिला अध्यक्ष से लेकर के उनसे भी बात करते हैं, कोर कमेटी के सदस्यों से भी बात करते हैं और हम एक मीटिंग जिला प्रशासन से भी करते हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, और उसके साथ इस क्षेत्र का विकास कैसे तेजी से, क्या कोई अड़चन आ रही है, क्या कोई भारत सरकार के किसी मंत्रालय में काम पेंडिंग है, उसकी भी सूचना लेते हैं, डिटेल में जाते हैं और उसकी रिपोर्ट बना करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं। वहाँ से जो डेवलपमेंट के काम अगर बाई दी रुके गए तो वो सैंक्शन होने में एक गति प्राप्त करते हैं, एक लाइजन के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मेरे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक काम प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया,
तो इस जिले का विकास। गोविंद सिंह जी के यौम पैदाइश पर अहाता साहब पुंछ में लंगर का इनेकाद किया गया। बिलाल लिहाज मजहूम मिलत लोगों ने लंगर ग्रहण किया। पुंछ में एक बार फिर हेलीकॉप्टर सर्विस बहाल की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत ने तमाम लोगों को इस सर्विस का इस्तेमाल करने की अपील। कहा अगर तआवुन न दिया गया तो इसे नामंजूर कर दिया जाएगा। फेयर डिसाइड किया है उसका 20% जो है वो पसंद देगा और जो 80% है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो बियर करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम अपने तहसीलदार के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और जो हमारे नोडल अफसर हैं उनके थ्रू इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हेली सर्विस है, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी बुकिंग करवाइए। बुकिंग के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं लेकिन अभी हमारे पास बुकिंग नहीं हो रही। तो मैं आपके माध्यम से यही लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि जब भी जहाँ चाहे ऑनरेबल गवर्नर साहब आए या डिप्टी कॉन साहब आए या यूनियन के मिनिस्टर्स आए तो आप लोगों ने बड़ी बोसरी पर इसलिए एक डिमांड रखी थी कि इस एरिया में हेली सर्विस होनी चाहिए। और जो ये कैसी हेली सर्विस, तहसील मंडी के पलेरा में महकमा उमर सार्फिन की जानिब से कायम राशन डिपो पर लगाई गई मशीन खराब। सार्फिन को राशन की दस्तियाबी में परेशानियों का है सामना। मशीन की मुरम्मत करने या नई मशीन फराहम करने का सरपंच पलेरा ने किया मुतालबा। और यहाँ चिगड़ी बांध के जितने लोग हैं या पलेरा के लोग हैं, हमारी माएं जो बहने यहाँ पे तहसील फरमाए, तो इनके घर के मिनिमम लोग जो हैं वो बाहर जो है वो अपने काम से जो मजदूरी पेशे पे बाहर हैं, तो ये यहाँ पे सब्र है। ज़्यादा मेरी डीसी साहब से और एडी साहब से और सीएसओ मंडी से ये मुतमाना गुजारिश होगी कि इस मशीन को जल्द अज जल्द जो है वो रिपेयर किया जाए। अगर ये रिपेयर के लायक नहीं तो इस राशन वाली मशीन को जो है वो दूसरी मशीन दी जाए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान ना हो और वो सफ़र ना हो। इस वक्त मशीन जो है वो मुकम्मल यहाँ पे ख़राब है। काफ़ी हद तक लोगों ने जो है वो फिंगर लगाने की कोशिश की लेकिन लोगों का जो फिंगर है वो मशीन नहीं पकड़ रही है। ये वो लोग हैं जो बर्फानी एरिया। गुरुद्वारा महंत साहब में भी गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश पर तकरीब का इनेकाद किया गया। अकीदतमंदों ने शबद कीर्तन करके और मुकर्ररीन ने खताब करके किया इजहार अकीदत। डिगियाना आश्रम जम्मू में भी गुरु गोविंद सिंह जी की यौम पैदाइश के मौका पर किया गया प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती और बैरूनी रियासत से रागी जत्थों ने किया शबद कीर्तन। महंत मनजीत सिंह साहब की कयादत में ये तकरीब भी की गई मुनक्कद। जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा गुरु जी संत बख्शिया ने वो अज इस ध्याड़े को बड़े उत्साह प्रेम चढ़ती कला मना रही है। अज लिगियाना आश्रम विखे विशेष दीवान सजाया गया जिस पंथ के प्रसिद्ध रागी जत्थे प्रचारक इतने पहुँच रहे हैं। विशेष तौर पर साढ़े पास रागी जत्था भाई साहब भाई बलकार सिंह जी लुधियाने वाले वो पहुँच रहे हैं। भाई साहब भाई हरमिंदर सिंह जी जे एंड के सिख मिशन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर तो विशेष तौर पर पहुँच रहे हैं। होर साढ़े लोकल रागी जत्थे भी इस भाग लैन गए। यह सारा